हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से या फिर SOL जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है और NC वेब के स्टूडेंट से, जस्ट बिकॉज उनके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैसे कि हमको पता ही है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को प्रमोटेड पास करने की बात बहुत दिन से चल रही थी और कई बार वाइस चांसलर जो है DU के, उन्होंने कई बार अपनी बातों में बात कही कि सर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को प्रमोटेड पास किया जाएगा। हमने बहुत बार जो है आपको ये बताने की कोशिश की कि सर फर्स्ट और सेकेंड ईयर को जो है प्रमोटेड पास किया जाएगा, बट सर 4 जून 2020 को ऑफिशियली DU ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया जो कि वैलिड रहेगा SOL और NC वेब और ऑल DU स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बताया गया है कि सर किस तरह से जो है मार्किंग की जाएगी। तो चलिए यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जैसे ही आप गूगल पे आएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आप सर्च कीजिए, आपके सामने ये पेज खुलेगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आप डायरेक्ट भी चाहें यहाँ पर आ सकते हैं, कैसे, DU.AC.IN से। यहाँ पर नोटिफिकेशन के सेक्शन में जाएंगे आप, फोर्थ नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं ताकि सर हम अच्छे से इसको देख सकें। डाउनलोड हो गई है सर, हम इसको खोलते हैं और हमारे PDF में ये खुल गई। सर आपको मैं हाईलाइट करते हुए बताऊंगा सर क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और मेन जो पॉइंट है इसके वही आपको समझा दूंगा ताकि आपको सर जो है इजीली समझ में आ जाए। तो बात करते हैं सर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ये नोटिस इशू किया, कब किया है सर, 4 जून 2020 को किया ऑफिशियल नोटिफाई करने के लिए सभी स्टूडेंट को। सब्जेक्ट क्या है सर नोटिफिकेशन का, सब्जेक्ट है सर गाइडलाइंस पॉलिसी रिलेटेड विद ग्रेडिंग रिजल्ट फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म ईयर स्टूडेंट फॉर ऑल। यहाँ तक पढ़ते हैं सर, पहले इंटरमीडिएट स्टूडेंट क्या होता है सर, लाइक आप फर्स्ट ईयर में है या फिर आप सेकेंड ईयर में, अगर आपका 4 ईयर का प्रोग्राम है तो सर आप 3rd ईयर के भी स्टूडेंट हो सकते हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए। तो सर ये नोटिफिकेशन किस किस के लिए सर, UG के लिए, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, PG के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एंड इंक्लूडिंग NC वेब एंड SOL, मतलब सर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए भी ये है जो नोटिफिकेशन है वो एप्लीकेबल रहेगी। आप NC वेब और SOL की इस वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये नोटिफिकेशन सेम टू सेम चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको जो है नोटिफिकेशन प्रोवाइड की गई होगी। तो हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे चलते हैं सर, कि जो मेन पॉइंट है कि सर किस तरह से बच्चों को पास किया जाएगा उसी पे चलते हैं डायरेक्ट। तो आ चुके हैं हम, ये रहा स्टूडेंट फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर। इंटरमीडिएट सेमेस्टर का मतलब आपको बता चुका हूँ मैं, द ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट कुड बी कंपोजिट 50% मार्क ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ इंटरनल इवेल्युएशन और असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन अडॉप्ट बाय द यूनिवर्सिटी। मतलब सर जो कंपोजिट, मतलब सर कंपोजिट मतलब सर दो तरह से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, कंपोज किए जाएंगे, मतलब सर एक जो मार्क्स दिए जाएंगे आपको इंटरनल इवेल्युएशन या फिर असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन के बेस पे जाएंगे और दूसरा 50% जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो किसके बेस पे दिए जाएंगे, आपके प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस पे। लाइक आप अगर सेकेंड ईयर में है तो आपके फर्स्ट ईयर में जो मार्किंग आई थी उसके बेस पे आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे और जो 50% है वो किसके बेस पे, इंटरनल इवेल्युएशन या फिर असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन के बेस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ये तो बात हो गई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की, जिनका सर प्रीवियस कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उनके बारे में बात करते हैं कि उनको किस बेस पर जो है मार्किंग की जाएगी। फॉर स्टूडेंट फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर हैविंग नो प्रीवियस परफॉर्मेंस, मतलब सर जिनका प्रीवियस परफॉर्मेंस नहीं है, हैविंग नो मार्क्स इन प्रीवियस सेमेस्टर ईयर शैल बी ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 100% असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन। मतलब सर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी मार्किंग कैसे की जाएगी सर, 100% असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन के बेस पर जो है उनकी मार्किंग की जाएगी। अब बात करते हैं सर असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन कैसे लेंगे। तो सर जो प्रोसीजर फॉलोड एनुअल मोड ऑफ एग्जामिनेशन UG स्टूडेंट विद रेफरेंस स्टूडेंट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड नॉन कॉलेज वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड एंड अदर फर्दर प्रोसीजर सेकेंड सेमेस्टर। ओके सर, बेसिकली सर जो आपका ये लिया जाएगा असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन और इंटरनल इवेल्युएशन, ये आपको जो SOL और NC वेब की वेबसाइट पे सेपरेटली आपको दिखा दिया जाएगा कि सर इस तरह से आपका इंटरनल जो है इवेल्युएशन और असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन लिया जाएगा जिसके बेस पे आपको मार्किंग की जाएगी। तो सर मेन आपका यही दो पॉइंट थे समझाने के लिए। आई होप सर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो सर अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।